हेलो देयर गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेज, जहाँ चल रहा है हमारा CWL सीरीज और मैं हूँ अवेज आपके साथ। क्लैश विद अवेज मेरा चैनल है, तो उम्मीद है आपने पिछले सारे वीडियोस देखे होंगे गाइस और आपको पसंद आए होंगे। हमारी डेली बैटल्स चल रही है जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो चलिए, लास्ट वीडियो था CWL डे 2 और उसके बाद मैंने एक और वीडियो डाला था TS10 के लिए, गो वाइप स्ट्रेटजी। उम्मीद है आपने वो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो तुरंत जाके देखिएगा, बहुत ही औसम स्ट्रेटजी है वो TS10 के लिए। सो चलिएगा इस बढ़ते आज के लाइव वीडियो की तरफ। अगर जो लोग चैनल पे नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये एक बहुत ही एक्टिव चैनल है, तो आपको बहुत सारी नई नई वीडियोज़ और स्ट्रेटजीज मिलते रहेंगी, टिप्स एंड गाइड्स, इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट्स, वीडियोज़, वर्सेस बैटल सब मिलेगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आज के CWL डे 3 की तरफ। तो ये देखिए, आर्मी मैंने रेडी कर लिए सब आईडीज़ में, ये आईडी में भी रेडी कर लिए। ये थर्ड वॉर जो आया है वो बहुत ही ख़तरनाक वॉर आया है। देखिए आर्मी में, आर्मी जो मैं नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ, ड्रैगन आर्मी ड्रैग जैप, और जो मेरा मैं बूस्ट पे हूँ तो मैंने नेक्स्ट वॉर के लिए डोनेशंस भी कुक कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली। सो देखिएगा इस सेकेंड वॉर का रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको, पहले थर्ड वॉर का अटैक शुरू करने से पहले। देखिए सेकेंड वॉर भी हम जीत चुके हैं लेवल 14 क्लैन के सामने, उसमें भी हमने बहुत ही बढ़िया अटैक्स किए थे। कुछ अटैक्स फेल हुए थे लेकिन फिर भी वॉर जीतने में हम सक्सेसफुल रहे गाइस। और ये वॉर देखिए, ये सबसे ख़तरनाक वॉर आई है अभी तक की, जैसे कि हम क्रिस्टल क्लैन में वैसी वॉर आई है, सारे TH-14 बेसिस है और थोड़े TH-13 और फिर नीचे देख सकते हैं आप। सो ये वॉर हमारे लिए बहुत ही हार्ड है गाइस, इसलिए हम टॉप 14 बेस को नहीं छू सकते, तो लास्ट 11 बेसिस को हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे 2 और 3 स्टार से। चलिए फर्स्ट अटैक हमारा चालू हो चुका है, गोबो भी स्ट्रेटजी है लेकिन टाउन हॉल 12, नो सुपर मिनियन निकल चुके हैं गाइस, बहुत ही टफ क्लैन है और उन्होंने CC में सुपर मिनियन डाले। और ये फर्स्ट अटैक है इसलिए ज़्यादा पता नहीं है, तो पॉइजन नहीं लिया था जो अटैक कर रहा है उसने। सो ये अटैक भी 1 स्टार ही होगा, 2 स्टार होने के चांसेस नहीं है। सुपर मिनियन के लिए पॉइजन लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं भी अब पॉइजन ले लेता हूँ, पता चल गया सुपर मिनियन है तो पॉइजन बना लेता हूँ और एक उसकी जगह एक लाइटनिंग रिमूव कर देता हूँ। पॉइजन बनने का वेट कर रहे हैं, फिर हम भी चलेंगे लाइव अटैक पे अपने। तब तक देखिए, सब हमारे तो सारे बेस ये लोग के लिए बहुत ही इजी थे और हमारे लिए ये लोग बहुत ही हार्ड है, इसलिए बहुत ही हार्ड वॉर है ये, तो हम हारेंगे ही पक्का, लेकिन फिर भी ट्राई करके हारेंगे। एटलीस्ट लास्ट 10 बेसिस पर थोड़ा स्टार्स इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए फिर भी इतने टफ क्लैंस के सामने भी हम डिमोट नहीं हो रहे, टॉप 5 में तो बने ही हुए और टॉप 3 में जाने की कोशिश करेंगे फिर से। तो चलिए, आप हीरोज बूस्ट कर लिए, आर्मी हो चुकी है रेडी, लेट्स रोल ऑन फॉर द अटैक गाइस। तो मैं करने वाला हूँ नंबर 20 पर अटैक। देखिए TH-13 मैक्स बेज है ये, सारे डिफेंसिस मैक्स है, इन्फर्नो मैक्स नहीं है सिर्फ। चलिए देखते हैं क्या होता है मेरे अटैक में, 2 स्टार तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। जैप चालू कर देते, दो एयर डिफेंसिस डाउन हो चुके, थर्ड की बारी अब, और अब फोर्थ डाउन नहीं होगा क्योंकि एक लाइटनिंग की जगह पर मैंने पॉइजन लिया था, इसलिए
चलिए थोड़ा ड्रैगन से पहले थोड़ा फनल क्रिएट कर लेते हैं और फिर बाद में सारे ड्रैगन्स एक साथ छोड़ देंगे सेंटर में, ताकि वो पहले टीएच डिस्ट्रॉय कर सके। टीएच डिस्ट्रॉय करना मेन मोटिव है, ताकि क्योंकि हमें दो टू स्टार्स चाहिए। तो चलिए फनल हो चुका है क्रिएट, सारे ट्रूप्स हीरोज डाल देंगे स्टोन स्लैमर। सो देखिए ये लोग सीधा टीएच की तरफ बढ़ रहे हैं इस बार, और ये सीसी में से अब निकलेंगे सुपर मिनियंस। सो सुपर मिनियंस के लिए तो हम रेडी है, तो डाल दिया है पॉइजन और फिर डाल देंगे उन पर फ्रीज। चलिए गाइस टू स्टार्स की तरफ हमारा अटैक बढ़ रहा है, कई सारे ट्रूप्स बचे हुए अभी भी 40, और इसी के साथ टू स्टार अटैक हो चुका है गाइस। ऑसम अटैक, इतने टफ बेस पर हम टू स्टार करने का मैनेज कर चुके हैं। और अब स्टोन स्लैमर में से अपना इलेक्ट्रो और आइस गोलम निकल चुके हैं। ऑसम अटैक गाइस, 80% हम डैमेज दे चुके हैं और ये भी इतने टफ बेस पर, बहुत ही बढ़िया अटैक था ये। चलिए अब अटैक होने वाला है ख़त्म, क्योंकि सारे ट्रूप्स हो जाएंगे डेड। फिर भी हमने बहुत ही बढ़िया अटैक किया है 85%, और एक और बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो 86% या 87% भी हो सकता है। तो चलिए 86% डैमेज दे चुके हम पूरे बेस को, इतने तकड़े बेस पर हमने अटैक किए, बहुत ही बढ़िया अटैक रहा। आप देख रहे दूसरे लोग क्या अटैक करते इतने टफ ओपोनेंट के सामने। तो चलिए अब TS12 ID से बाकी लोगों को डोनेट कर देते हैं, जिन्हें भी ट्रूप्स चाहिए उनके लिए ट्रूप्स बना देते। तो चलिए पिकाचू को डोनेट कर दे ताकि वो अटैक पे चले जाए, और फिर अब उसके बाद मैं अपनी सारी आईडी से अटैक करके दिखाऊंगा आपको। चलिए अब सिर्फ एक बलून बचाए देने का, फिर डोनेशन हो जाएगा कंप्लीट और फिर चलेंगे लाइव अटैक देखने के लिए। देख सकते हैं आप कितने तगड़े बेस है टाउन हॉल 9 के सामने, टाउन हॉल 12 और 13 के प्लेयर्स, तो आप सोच ही सकते हैं कितनी खतरनाक हो रहे है। ये ओपोनेंट्स हमारे क्रिस्टन वन लीग के क्लैन में आते हैं, और हमारा ये गोल्ड पर, फिर भी इतने हार्ड ओपोनेंट्स क्यों आए पता नहीं। तो चलिए बाकी के डोनेशंस भी कर देते, और ये जो ट्रूप्स है वो तो मैंने आपको बताया है मैं वॉर सीसी में डोनेट करता हूँ, तो उसी लिए बूस्ट पे हो तो ये भी कुक कर लेता हूँ साथ ही साथ। तो वहाँ क्लैन में जाके डायरेक्ट सीधा वॉर में फुल डोनेशन कर दूंगा एक साथ ही।
सुपर मिनियन, हेड हंटर, सुपर विजार्ड, बेबी ड्रैगन्स, सब बराबर कैलकुलेशन से मैंने कुक कर लिए। तो चलिए अब लाइव अटैक शुरू हो चुका है, चलते हैं स्पेक्टेट करने। ओह नो, इसने पॉइजन नहीं लिया है गाइस, सारे लाइटनिंग ले लिए, यानी कि अटैक ये फेल हो सकता है सुपर मिनियंस की वजह से। सुपर मिनियन के लिए पॉइजन मस्ट है, नहीं तो आपका अटैक फेल हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले इलेक्ट्रो से फनन कर रहे, रॉन्ग साइड से अटैक किया है, टाउन हॉल साइड से अटैक करना था। चलिए अब जो होगा वो होगा। और ये सीसी में से निकल चुके हैं सुपर मिनियंस, और पॉइजन भी नहीं है और फ्रीज भी नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज मिलने वाला है सारे ट्रूप्स को। और ये अटैक फेल हो चुका है 48% डैमेज पे, क्योंकि पॉइजन नहीं लिया था एज एक्सपेक्टेड। सो चलिए अब हम जाने वाले हैं एक इम्पॉसिबल अटैक करने के लिए, TH9 वर्सेस TH10 अटैक। TH9 मैक्स आईडी से मैं अटैक करूंगा टाउन हॉल 10 के ओपोनेंट पे जो नंबर 30 पर है। लेट्स ट्राई आउट। देखिए यहाँ पर भी मैंने पॉइजन नहीं लिया है, तो पहले मैं पॉइजन ले लेता हूँ सीसी में, फ्रीज रिमूव करके पहले पॉइजन ले लूँगा ताकि मेरा अटैक फेल ना हो, नहीं तो मेरा अटैक भी पिकाचू जैसा फेल हो जाएगा। देख सकते हैं आप कितना हार्ड ओपोनेंट है। इस ओपोनेंट पर हमें अटैक करना है, उसकी आर्चर क्वीन भी मैक्स है, जंगल क्वीन है उसके पास, यानी कि सीजन पास भी लिया हुआ है। चलिए पहले पॉइजन ले लेते ताकि अटैक फेल ना हो। इस अटैक के लिए सीसी में यही रखना है अब पॉइजन और बॉलर्स, ताकि आपका अटैक फेल ना हो और सीसी की वजह से, जैसे लास्ट टाइम मेरा हुआ था सीसी की वजह से अटैक फेल हो रहे थे, इसलिए अब इसकी सीसी मैंने चेंज की है। सीसी में हम लेंगे बॉलर्स के साथ पॉइजन, तो चलिए पॉइजन कुक कर लेते। पॉइजन कुक होने तक वेट कर लेते थोड़ा और फिर दे देंगे पॉइजन, और फिर चल रहे हैं हमारे इम्पॉसिबल अटैक की तरफ, TH9 वर्सेस TH10 अटैक। यो गाइस, बहुत ही एक्साइटेड हुई इस अटैक के लिए, देखते हैं क्या होगा। वैसे भी कोई और चारा नहीं है अटैक के सिवाय, क्योंकि और कहीं पर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि ऊपर सारे TH11 12 और 13 और 14 के प्लेयर्स हैं। सो यही बेस्ट चांस है अटैक का, चलिए देखते क्या होगा। और जो लास्ट सेकेंड डे का वॉर हम जीते थे उसके बाद हमारा क्लैन लेवल 8 हो चुका है अब गाइस। सो अब डोनेशन 9 ट्रूप्स और 3 स्पेल्स दे सकते हैं हम। चलिए बढ़ते हैं हमारे इम्पॉसिबल अटैक की तरफ, TH9 वर्सेस TH10 अटैक। ये एक एपिक अटैक होने वाला है या एपिक फेल, चलिए देखते हैं।
इन्फर्नो देखिए, एक इन्फर्नो जो है वो मैक्स है और एक इन्फर्नो लेवल वन का है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम डैमेज पोजीशन है हमारा सीसी का, तो वहाँ पर हम डालेंगे विचिस और एक तरफ डालेंगे आर्चर क्वीन। लेट्स रोल ऑन फॉर द इम्पॉसिबल अटैक गाइस, टाउन हॉल 9 वर्सेस टाउन हॉल 10 अटैक। पहले हम डाल देंगे विचिस और उनके साथ 2 हीलर्स और फिर आर्चर क्वीन और उसके साथ 3 हीलर्स। चलिए अभी इन्हें थोड़ा फनल क्रिएट करने देते हैं, तब तक वेट करेंगे। वॉल ब्रेकर डाल के मैं सीसी लेयर आउट करने का ट्राई कर रहा था लेकिन वो कैनन ने पहले ही डाउन कर दिया। चलिए अब कैनन का फोकस था आर्चर क्वीन पे, तो मैंने डाल दिए वॉल ब्रेकर्स और ये सीसी में से निकल चुके लावा हाउंड और आर्चर्स। लावा हाउंड पे पॉइजन एकदम आखिरी में डालना होता है लेकिन मैंने जल्दी डाल दिया ताकि ज़्यादा वो डैमेज ना मिल सके। चलिए अब बाकी के ट्रूप्स जो है वो अंदर जा चुके, जंप स्पेल डाल दिया था मैंने और हील और रेज। अब सारे ट्रूप्स पहुंच चुके सेंटर में, आर्चर क्वीन और इन्फर्नो दोनों एक साथ डैमेज दे रहे थे, उसको फ्रीज कर देते और डाल देते वहाँ पर एक हील स्पेल। देखिए लावा हाउंडर हो चुका है डाउन और हमारी आर्चर क्वीन सबको टैकल कर लिया। अब आर्चर क्वीन फुल हेल्थ पे हो जाएगी क्योंकि सारे हीलर्स एक्टिव है। यो व्हाट एन ऑसम अटैक गाइस, अटैक बहुत ही बढ़िया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए एक एक्सपो के पास गोलम डैमेज ले रहा है और हमारी विच एक्सपो का डाउन कर देगी इजीली। और इसी के साथ एक एक्सपो डाउन होता हुआ, एक्सपो एक हो चुका है डाउन। अब एक बाई एक्सपो बचा है, वो बोलर्स को डैमेज दे रहा है। हमारी आर्चर क्वीन एक्सपो की तरफ बढ़ रही है और ये एक्सपो आर्चर क्वीन के निशाने पर है तो ये एक्सपो भी डाउन हो जाएगा इजीली। कम ऑन गाइज, हमारा अटैक 3 स्टार होने वाला है। ऑसम अटैक, टाउन हॉल 9 वर्सेस टाउन हॉल 10 अटैक। ऑसम, देख सकते हैं आप काफ़ी सारी विचिस बची है, 2 बॉलर्स है, आर्चर क्वीन फुल हेल्थ पे, सारे हीलर्स एक्टिव है, गोलम भी बचा हुआ है यानी कि हमारे मैक्सिमम ट्रूप जो है वो भी एक्टिव है। और ये अटैक सारे डिफेंसेस हो चुके हैं डाउन, सो इजीली अटैक हो गया एक 3 स्टार अटैक गाइस। अनबिलीवेबल एपिक अटैक हो चुका है ये गाइस, परफेक्ट 3 स्टार्स, ऑसम। और हमने एक बहुत ही एपिक अटैक कर दिया यहाँ पर, TS9 वर्सेस TS10 अटैक। और चैट्स में भी देख सकते हैं आप, नेक्स्ट के लिए आर्मी रेडी कर लेते हैं और चलते हैं दूसरी आईडी में। चैट्स देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया चैट चल रहा है क्योंकि अटैक ही इतना बढ़िया था, TS9 वर्सेस TS10 अटैक। सो चलिए अब हमारे TS9 आईडी से हमें अटैक करना है तो उसके लिए एक लूप होल वाला बेस ढूंढने का ट्राई करते, या फिर जो जिसका टाउन हॉल एकदम बाहर हो या कॉर्नर पे हो ताकि हम एटलीस्ट 1 स्टार का तो ट्राई कर सके ऐसे बेस के ऊपर TS9 आईडी से। ये सारे बेसिस में तो टाउन हॉल सेंटर पर ही है, इसमें भी थोड़ा बहुत सेंटर ही समझेंगे। ये देखिए इसमें है कॉर्नर पर, इस पर एक ट्राई कर सकते हैं नंबर 7 पर, यहाँ पर भी सेंटर है तो ये भी ट्राई नहीं कर सकते, ये भी कॉर्नर है तो ये भी थोड़ा ट्राई कर सकते। एक्चुअली इस पर करना क्या है कि पहले जो बाहर स्टोरेजेस और गोल्ड माइंस है उन्हें अपने नॉर्मल ट्रूप से डिस्ट्रॉय कर देंगे और सीसी में लेंगे स्नीकी गॉबलिन और 4 अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से पहले आगे की वॉल्स डाउन कर देंगे और फिर डायरेक्ट डाल देंगे स्नीकी गॉबलिन, तो डायरेक्ट टाउन हॉल को फोड़ देंगे जिससे कि हमें मिल सकता है 1 स्टार जो बहुत ही वैल्यूबल होगा
TH9 वर्सेस TH14 अटैक होगा ये, इसमें हम एक स्टार का ट्राई करेंगे। ये भी थोड़ा अंदर है, ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये वाला इसका थोड़ा टाउन हॉल बाहर है, इसका भी थोड़ा सेंटर है, तो ये ट्राई नहीं कर सकते। देखते हैं नेक्स्ट बेस, इसमें तो एकदम ही सेंटर है, ये तो बिल्कुल ट्राई नहीं कर सकते। ये भी सेंटर, इसमें भी सेंटर, इसमें भी है सेंटर पे, ये एक बेस ट्राई कर सकते हैं गाइस। इसमें भी सेंटर है, इसमें ट्रैप बहुत खतरनाक है क्योंकि सारे हीरोज आ गए और फिर उसके पीछे टाउन हॉल। इसमें भी सेंटर और ब्लिम्प हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि टाउन हॉल 9 है, टाउन हॉल 10 भी होता तो ब्लिम्प यूज़ कर लेते तो इजीली एक स्टार कहीं भी मिल जाता था। ये बेस में भी कॉर्नर है तो ये भी ट्राई कर सकते हैं कि इस पर 0 स्टार्स हुए तो हम एक स्टार की ट्राई तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब उस पर ट्राई करेंगे, पहले रिक्वेस्ट कर लेते स्टिकी गॉब्लिंस। सीसी हमारा रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पर लेंगे स्नीकी गॉब्लिन। टाउन हॉल 9 है इसलिए टाउन हॉल 11 के ट्रूप्स हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि स्नीकी गॉब्लिन्स भी आराम से मिल जाएंगे। और 4 अर्थ को एक खास लेना है क्योंकि वॉल्स तोड़नी है। सो जल्दी अब स्नीकी गॉब्लिन्स का रिक्वेस्ट कर लेते हैं। स्नीकी गॉब्लिन्स का 3 का स्पेस होता है यानी कि हमें 10 मिल सकते हैं। सो चलिए अब दूसरी आईडी से भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं स्नीकी गॉब्लिन, क्योंकि अब ये आईडी से तो ऐसे ही अटैक करना पड़ेंगे क्योंकि और कोई बेस पर हम 2 या 3 स्टार करने का कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि हमारे से बहुत ही खतरनाक बेस है। इसमें भी सीसी रिमूव कर लेते हैं और फिर रिक्वेस्ट कर लेते हैं स्नीकी गॉब्लिन्स। और अब दूसरी आईडी से कुक करके मैं दे दूंगा स्नीकी गॉब्लिन्स। और मेन चीज़ हमारी 4 अर्थक्वेक्स कुक कर लेते हैं वॉल डाउन करने के लिए। तो चलिए अब स्नीकी गॉब्लिन्स डोनेट कर देते। स्नीकी गॉब्लिन्स को करे तब तक हमने जो वॉर डोनेशन के लिए ट्रूप्स को करे तब तक वो दे देते नेक्स्ट वॉर में। देखिए इलेक्ट्रो ड्रैगन्स में ऊपर पहले ही दे चुका हूँ, TH9 बेसिस के ऊपर देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर देंगे ड्रैगन राइडर्स और बाकी की स्पेस में दे देंगे बेबी ड्रैगन, वो मैं बाद में डोनेट कर दूंगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रोस डालने हैं तो सिर्फ सब में एक एक बलून्स डाल देते। सो चलिए डोनेशंस हो चुके हैं और तब तक ट्रूप्स भी हमारे कुक हो चुके होंगे स्नीकी गॉब्लिन्स। अब इसके बाद हमें लूट करनी है इसलिए मैं सारे स्नीकी गॉब्लिन्स कुक कर रहा हूँ।
यहाँ पर क्लैन का लेवल अभी लेवल 8 हुआ, इसलिए 9 ट्रूप्स डोनेट कर सकते, और सब में एक एक बच गए तो वो दूसरी आईडी से दे देता हूँ। तो चलिए अब बचे हुए एक एक स्नीकी गॉब्लिन दे देते हैं। चलिए अब डोनेशन हो चुके हैं, अब ट्राई करते हैं अपने 1 स्टार अटैक के लिए टाउन हॉल 14 के ऊपर, टाउन हॉल 9 से। अर्थक्वेक्स कुक होने बाकी है तो दूसरी आईडी से ट्राई करते हैं अटैक। यहाँ पर जेम्स है मेरे पास तो यूज़ कर लेते थोड़े। चलिए अब ट्राई करते हैं 1 स्टार का। 16 और 21 मेजिस हमने देखे थे, तो 16 पर मैं ये आईडी से अटैक करूंगा और 21 पर क्लैश विद अवेज आईडी से। चलिए ट्राई करते हैं। ओह नो, नॉर्मल अटैक की तरह मैंने सारा सब कुछ एक साथ डिप्लॉय कर दिया है, यानी कि स्नीकी भी डिप्लॉय कर दिए, तो यहाँ पर हमारा 1 स्टार नहीं हो पाएगा गाइस, क्योंकि मैंने स्नीकी पहले डिप्लॉय कर दिया गलती से नॉर्मल अटैक की तरह। चलिए नेक्स्ट आईडी से ट्राई करेंगे इसके बाद, वहाँ पर तो अब याद रखना है एटलीस्ट 1 स्टार की ट्राई करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आईडी की तरफ। इस बार तो 1 स्टार की ट्राई करेंगे पक्का। टाउन हॉल 9 वर्सेस टाउन हॉल 13 अटैक है, नंबर 21 पर अटैक करना है। थोड़े जेम्स इकट्ठा कर लेते हैं, जेम्स यूज करने के लिए स्पेल्स जल्दी कुक हो जाए इसके लिए। चलिए जेम्स हो चुके इकट्ठा, कर लेते यूज़। चले चढ़ते और एक इम्पॉसिबल अटैक की तरफ, टाउन हॉल 9 वर्सेस टाउन हॉल 13 अटैक, नंबर 21 पर 1 स्टार का ट्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए बेस बार है, तो यहाँ पर हम विज़र्ड टावर के पास डाल देंगे 4 अर्थक्वेक्स ताकि वॉल डिस्ट्रॉय हो जाए इजीली। लेट्स रोल ऑन फॉर द अटैक गाइस। देखिए सारे ट्रूप्स मैंने डिप्लॉय कर दिए, अब बीच में डाल देंगे गोलम और फिर सारे वॉल ब्रेकर्स। स्निकी अब मुझे याद है कि ध्यान से रखना है स्निकी लास्ट तक, और एसीसी में से निकल चुके हेड हंटर और आर्चर्स, और अभी हमने यूज़ कर लिया है अर्थक्वेक जैसे जैसे कि हमने प्लान किया था, और अब डाल देंगे स्निकी और रेज। कम ऑन कम ऑन, टाउन हॉल डिस्ट्रॉय होना चाहिए। और गाइस इसी के साथ टाउन हॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है और हमारा अटैक हो चुका है 1 स्टार। यो, जो हमने प्लान किया था वो हो गया सक्सेसफुल, 1 स्टार हमने दर्ज कर लिए अगेंस्ट द टाउन हॉल 13 बेस।
सो चलिए अब जाते हैं दूसरी आईडी में, और वहाँ दूसरे क्लैन की वॉर में मैं डोनेट करके आ जाता हूँ। सब मैंने कुक कर लिया है। तो चलिए चलते दूसरे क्लैन में, और वहाँ पर वॉर में डोनेशन कर देते सब। दो सुपर मिनियन डाल देंगे पहले सब में। फोर्टी की स्पेस में दो सुपर मिनियन, दो हेड हंटर्स और एक विजर्ड। विजार्ड कुक नहीं हुआ है, विजार्ड कुक कर लेंगे बाद में। चलिए 45 की स्पेस में तो दो सुपर मिनियन, एक बेबी ड्रैगन, एक सुपर विजर्ड और एक आर्चर डोनेट करना है। जल्दी से सबको डोनेट कर देते। तीन सुपर विजर्ड्स कम पड़े, यानी कि और तीन सुपर विजर्ड्स को करने होंगे, क्योंकि पहले स्पेस नहीं थी इतनी। अब क्योंकि मैंने सब डोनेशन कर दिए तो स्पेस खाली हो चुकी है, तो तीन सुपर विजर्ड्स को करने, और यहाँ पर बेबी ड्रैगन और एक आर्चर दे देंगे। 35 की स्पेस है इसलिए। और दो हेड हंटर्स चाहिए, तो तीन सुपर विजर्ड्स। दो हेड हंटर्स ऑलरेडी कुक्ड हो चुके हैं, तो दो हेड हंटर्स दे दिए। अब चाहिए पांच विजर्ड्स और तीन सुपर विजर्ड्स, तो इन्हें जेम्स यूज़ कर लेते। सब हमारा वॉर डोनेशन हो जाएगा कंप्लीट फुल्ली। देखिए कितना बढ़िया वॉर डोनेशन हुआ है, 2 मिनट में फुल वॉर डोनेशन कंप्लीट, लाइव आपके सामने। तो चलिए अब इसी के साथ वॉर डोनेशन होता है कंप्लीट। अब चलेंगे TH12 ID का लाइव अटैक देखने के लिए। तो चलिए गाइस चलते हैं लाइव अटैक देखने। तो चलिए गाइस हमारी आर्मी हो चुकी है रेडी, लेट्स रोल फॉर द अटैक। यहाँ पर देखिए मिरर स्वैप करना है हमें पहले की तरह, जैसे फर्स्ट टाइम किया था। तो मुझे अटैक करना है धानु के मिरर पर, और उसने ऊपर कर दिया अटैक। सो यहाँ पर मुझे अटैक करना है, 3 स्टार का ट्राई करना है, इसलिए हम लोग स्वैप कर रहे हैं। यानी कि जो नीचे वाला है वो ऊपर 2 स्टार का ट्राई करेंगे, और नीचे जो ऊपर वाला है वो नीचे 3 स्टार की ट्राई करेगा। चलिए हम करते हैं अपना अटैक, गो विच विद सुपर विजार्ड्स। तो पहले इन्फर्नो डाउन कर देते हैं यहाँ का। 4 लाइटनिंग, 1 अर्थक्वेक स्पेल। 4 लाइटनिंग दोनों पर डाल दिया, और अब डाल देंगे दोनों पे अर्थक्वेक स्पेल। अब डाल देंगे अपनी आर्मी 3 गोलम, 10 विचिस, और फिर 5 सुपर विजार्ड्स डालेंगे हमेशा की तरह। 2 सुपर विजार्ड और बाकी के हीरोज फनल ग्रेट होने के बाद डालेंगे। और यहाँ पर भी सीसी में सुपर मिनियंस थे, इसलिए मैंने पहले ही पॉइजन ले लिया है एक फ्रीज की जगह पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको पता हो कि सुपर मिनियंस हो तो आप पॉइजन ले लीजिए पहले से ही। फ्रीज यहाँ पर हम बचा के रखेंगे सुपर मिनियंस के लिए, सो इसलिए मैंने वार्डन एबिलिटी यूज़ कर लिया है। और अब लॉग लॉन्चर में से जो पैक और आइस गोलम निकले वो टाउन हॉल की तरफ बढ़ चुके हैं। सो अब डाल देंगे सुपर मिनियन पर फ्रीज और पॉइजन।
और इसी के साथ टाउन हॉल हो चुका है डिस्ट्रॉय। और अब देखिए सुपर मिनियंस पॉइजन के इफेक्ट में, और थोड़ी देर में डाउन भी हो जाएंगे सुपर मिनियंस इजीली। और इसी के साथ सुपर मिनियन हो चुके हैं डाउन, और हमारा अटैक इजीली 3 स्टार की तरफ बढ़ रहा है गाइस। ऑसम अटैक था ये गाइस, क्योंकि बेस बहुत इजी था मेरे लिए, इसलिए अटैक इजीली 3 स्टार हो रहा है। देख सकते हैं आप काफ़ी ट्रूप्स बचे हुए, सुपर विजर्ड्स है, आर्चर क्वीन फुल हेल्थ पे विथ एबिलिटी, आइस गोलम, गोलम्स, पैका, इजीली अटैक हो गया है हमारा 3 स्टार। सो चलिए अब इसी के साथ डे 2 होता है हमारा कंप्लीट। अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में विथ डे 3, और डे 3 अटैक्स हो चुके हैं यहाँ पर कंप्लीट। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में डे 4 के अटैक्स के साथ और डे 3 के रिजल्ट के साथ। तो चलिए गाइस मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।